जो वाकई पीड़ित हैं, ग्रस्त हैं लोग, जो इस तकलीफ़ में हैं कि मन से तो बेशक चाहते हैं लेकिन जिस्म से मजबूर हैं, वो नहीं आ पाते योगा के लिए या मेडिटेशन के लिए, तो उनके लिए क्या आपका संदेश रहेगा? हर एक व्यक्ति को बीमार से बीमार हो तो, जैसे हम लोग क्या है कि बिस्तर से उठता नहीं और बुखार है और शरीर तो साफ़ करना है, तो गर्म तुआल लेके गर्म पानी का उसको साफ़ करते कि स्पंजिंग करते कि नहीं, तो स्नान ही हम उसको लेके बाथरूम में खड़ा नहीं करते शॉवर के नीचे। हर एक वस्तु के लिए अल्टरनेटिव है, तो योगा का भी अल्टरनेटिव है, किसी भी हालत में योग कर सकते हैं। और दूसरे फिजियोथेरेपी जैसे है ना, तो इस तरह से जाके उसको मदद करेंगे थोड़ी, तो वो योगा का काम हो जाएगा। कर उसको ये मालूम होना चाहिए कि ये बहुत आवश्यक है और ये मैं नहीं करूँगा तो गड़बड़ होगी, और खाली गोली खाने से वो ये काम नहीं है। मेरा तो कहना इससे है, या भी सब्जेक्ट दूसरा है, कि हमने ये गोली के ऊपर बहुत विश्वास किया तो अभी यहाँ जहाँ जहाँ बच्चे भी गोलियाँ चलाने लगे। गोली खा के आरोग्य चाहिए, लेकिन गोली खा के स्कूल में बच्चे मर रहे। मतलब वो बात ऐसी, गोली का मतलब है भौतिकता, और हमें भौतिकता में इतना विश्वास हो गया है कि हम समझते ही नहीं है कि इसके परे भी कुछ है। ये जो बात है वो तो लानी है उल्टी, तो किसी भी हालत में ये नहीं। तो अभी देखिए, इतना सारा गोली है, ऑपरेशन है, सब है, इलाज अभी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अभी ये एक 1.5 साल होने आया, ये बीमारी महामारी चल रही है, कहीं मिला है क्या? गोली नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, अभी तक बीमारी वैसे ही चालू है। तो ये बताने के लिए ही आए हो रहा है कि ये गोली के ऊपर का भरोसा थोड़ा कम करो। घर में अभी घरेलू इलाज भी हम लोग पहले करते थे, और थोड़ा बोलते थे कि एक दिन विश्राम करो सब ठीक हो जाएगा, बुखार आया है तो और सर्दी हो गई है 2 दिन में जाती है, एकदम ऊपर नीचे होके इंजेक्शन तक मत पहुंचो, ऐसे पहले होता था। अभी ये हम लोग गलत ये कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये पेशेंट्स को भी बताना है। और इसलिए तो मुझे लगता है कि ये पंचकर्म जो है वो तो एक नॉर्मल अवस्था है। पहले ऐसे बोलते थे कि 50 साल, अभी गाड़ी है आपकी तो सर्विसिंग को भेजते कि नहीं? बिल्कुल भाई, तो ये शरीर को सर्विसिंग में भेजना चाहिए कि बिल्कुल नहीं? तो ये गैरेज ही है एक प्रकार का, कि जहाँ हम सब ट्यूनिंग करके साफ सफाई करके शरीर की देते, ये क्यों समझते नहीं है? ऐसे ही नहीं चलेगी वो गाड़ी। तो ये बात एक बार समझाने की कोशिश चल रही है, और जो पंचकर्म कर रहे हैं उसको लाभ उठा रहे हैं।